आपको मैं ये जो होता है फिल्टर या होता है पेट्रोल फिल्टर इसको बोला जाता है। पेट्रोल फिल्टर मैंने किस लिए गाड़ी के अंदर लगा रहा हूँ, किस लिए फिटिंग कर रहा हूँ, अभी ये नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, इसके बारे में जानकारी मैंने दी है वीडियो के अंदर। मैं बताने जा रहा हूँ बुलेट के बारे में, जो कार्बोरेटर होता है कोई भी गाड़ी का, जो कार्बोरेटर अगर समझ लो बाइक का, जैसे बुलेट हो गया, पल्सर हो गया, ओवरफुल जो होता है किस लिए होता है, क्या वजह रहता है जो ओवरफुल होता है। आप सोचोगे कि मैंने ओवरफुल अगर हो रहा है तो आप कार्बोरेटर नया डाल दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। गाड़ी के अंदर पहले पास क्या देखना चाहिए, चेक करना चाहिए कि गाड़ी के अंदर वो जो ओवरफुल हो रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। आप सोचोगे कि वापस रिपीट करो, आप सोचोगे कि कार्बोरेटर मैं नया डाल दूँ ओवरफुल बंद हो जाना चाहिए, बंद नहीं होता है, तो उसका पहले देखना चाहिए टाकी सड़ा हुआ है कि नहीं। अभी मैंने आपको दिख रहा होगा कार्बोरेटर मैंने ओपन किया हूँ, खोल के रखा हूँ मैंने, आगे के कार्बोरेटर निकाल लिया हूँ। ये क्लासिक है, ये देख लीजिए 350। तो इसका कार्बोरेटर का ओवरफुल कैसे, इसको जैसे ओवरफुल हो रहा था कैसे इसको बनाए, कैसे इसका जैसे ओवरफुल का जैसे बंद किया जाए उसका तरीका ही बताने जा रहा हूँ मैं आपको। क्या क्या चीज़ करोगे तो आपकी गाड़ी का जो ओवरफ्लो होता है बंद हो जाएगा। पहले तो आपको देख लीजिए, मैं ओपन किया हूँ, ओपन करने के बाद आपको चेंबर दिखा रहा हूँ जिसमें पेट्रोल आता है। ये देखिए जिसमें पेट्रोल है इसमें आप देखिए, अभी मैं हल्का हल्का जिसको, अभी ये देखिए जो कार्बोरेटर के अंदर है इसमें कचरा है, देखिए इसको मैं क्लीन कर दूँगा। अभी ये तो आपको बता दिया कचरा आ रहा है, इसमें अगर कचरा आता रहेगा जैसे इसमें, तो इसका प्रॉब्लम ज़्यादा करके टाकी का रहता है, जो टाकी इसको बोलते हैं, इसको जो टाकी के अंदर रस पकड़ते हैं जिसको बोलते हैं जंग, अगर इसके अंदर पकड़ लिया हुआ है तो क्लियर थ्रू से आता है। पहले इसको अच्छे से क्लीन, जिसको बोलते हैं सफ़ा, इसको सफ़ा कर देना चाहिए, इसे वॉश कर देना चाहिए पूरा पेट्रोल निकाल के इसको। अब इसमें आपको और भी दिखाने जा रहा हूँ बाद में, मैं गाड़ी का काम करूँगा बाद में, पहले आपको बता दे रहा हूँ। फिर ऐसे हमारे पास कस्टमर आया था, बोलता सर हमारे एक मैकेनिक है, वो रहे पूरा कार्बोरेटर नया डाल दो, कार्बोरेटर नया डालोगे तभी बोल लूँगा। अभी इसको आपको एक सिंपल दिखा रहा हूँ कि कचरा टाकी से इसमें आता है, इसमें आने के बाद जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर देखिए इसमें पाइप में कार्बोरेटर इसमें लगता है वाला पाइप, तो पाइप लगने के बाद कचरा जाता है, कचरा कहाँ जाता है, इसको अंदर जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोट पिन। इसको स्क्रू को ओपन करेंगे तो फ्लोट पिन पूरा फ्लोट और फ्लोट पिन दोनों बाहर आ जाता है। अब इसमें देखो नया चेंज हुआ है तभी भी ओवरफुल बंद नहीं हो रहा है। अब इसका मैं आपको वजह बता रहा हूँ, अभी ये भी खोल के दिखा दे रहा हूँ पकड़ से, ये देखिए ये भी खुल गया हुआ है। अब ये खोलने के बाद आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए कचरा देख लीजिए, अभी और उसके अंदर कचरा है, ये पूरा देखो कचरा पूरा भरा हुआ है देख लीजिए। अगर आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी गाड़ी का टाकी सड़ा हुआ है अंदर से पूरा जैसे रस पकड़ा हुआ है, तभी भी गाड़ी का जो ओवरफ्लो होता है आप बंद नहीं कर पाओगे। चाहे आप नया कार्बोरेटर डाल दो या आप पेट्रोल कोक डाल दो, जब तक आप टाकी अगर एकदम रस पकड़ लिया तो आपको नया डालना पड़ता है। अगर आपके पास बजट कम है तो फिर उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए, इसको सफ़ा करना चाहिए पानी से या किसी चीज़ से, आप उसको सफ़ा करके फिर लगाइए थोड़ा टाइम तक, आपका जो ओवरफ्लो होता है बंद हो जाएगा। अभी और देख लीजिए पूरा इसमें रस पूरा अंदर देखिए पूरा है, तो इसका जो कचरा होता है, जो इसका मिट्टी होता है, इसके अंदर चले जाता है, तो इसके जाने के बाद फिर यहाँ चले जाता है, तो ओवरफुल चालू हो जाता है, ओवरफुल इसलिए होता है। अब ये फ्लूड क्या काम करता है, जब पेट्रोल जो कटोरी आपको दिखाया था मैंने, जो वो क्या करता है, जब पेट्रोल उसके अंदर भरता है तो अपने आप ऑटोमेटिक इसको बंद कर देता है, ये पिन को। ये बंद करने के बाद जो टाकी के पेट्रोल आता है तो आना बंद हो जाता है। अगर आपको समझ लो ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है तो आपको गाड़ी का टाकी सफ़ा कर दिया, सब चीज़ सफ़ा कर दिया, तभी भी ओवरफुल हो रहा है, तब समझ जाने की कि हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर ये ख़राब है। जल्दी कार्बोरेटर गाड़ी का ख़राब नहीं होता है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जल्दी कार्बोरेटर निकाल दीजिए कचरा आ जाता है, तो इसके वजह से ओवरफुल चालू हो जाता है। अभी आपको एक फ्लोट पिन इसको आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल के दिखा देता हूँ मैं, कचरा कहाँ आता है, कचरा
गीजर आता है तो उसको आपको कैसे इसको भी क्लीन करना है, इसको भी सफ़ा करना है। आप सोचोगे कि मैं टाकी सफ़ा कर दिया और कार्बोरेटर खोल के सफ़ा कर दिया और पेट्रोल को खोल के सफ़ा कर दिया तो ओवरफुल बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं। अभी वापस आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको पहले स्क्रू को ओपन कर दे रहे हैं, स्क्रू को देख लीजिए। इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है वो बता रहा हूँ मैं। ये देख लीजिए ओपन हो चुका हुआ है, ये निकल चुका हुआ है, देख लीजिए। इसको आराम से निकाल लेना चाहिए, नहीं गिर जाता है। अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एकदम आपको क्लीन सफ़र एकदम दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जब गाड़ी जब पेट्रोल चालू करते हो, जब गाड़ी चलती है तो वही झटके में जो कचरा अंदर रहता है तो इसमें आने के बाद ओवरफुल चालू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, W240 स्प्रे आता है, एक स्प्रे इसके यहाँ से मारना चाहिए, आपको यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से मारना चाहिए, फिर बाद में यहाँ से मारना, दोनों तरफ से मारना चाहिए, अच्छे से इसको क्लीन कर देना चाहिए, कचरा इसके अंदर थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। आप चाहिए पानी प्रेशर से मार दो, ये आपके पास स्प्रे है उससे मार दो, मुला इधर से भी और इधर से भी, इधर से मार दिए, फिर उसके बाद में आप इधर से मार दिए, जैसे इधर से उधर से आप करते रहोगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, तो नहीं नहीं होता है। अभी आप देख लीजिए एकदम सफ़ा है, एकदम तभी भी ओवरफ्लो हो रहा था। अभी इसको मैं अच्छे से क्लीन करके जो इसका ओवरफ्लो का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगा। अभी मैंने वापस रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, अभी मैंने पेट्रोल को जो होता है नीचे का खोला, इसको दिखाया कचरा था इसमें और टाकी के अंदर भी कचरा है, और इसके अंदर समझ लो सब चीज़ करने के बाद आप एक फिल्टर लगा सकते हो एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं पेट्रोल फिल्टर, वहाँ से क्या होता है छन के जाता है पेट्रोल और, तो बहुत टाइम लगेगा उसको जैसे इसमें कचरा जाने के लिए। अभी सोचो ये कि यहाँ फिल्टर लगा हुआ रहता है, अभी इसमें फिल्टर नहीं है, ये देख लीजिए फिल्टर नहीं, इसमें गोल एक फिल्टर आता है, वो फिल्टर कोई निकाल दिया हुआ, फिल्टर इसके अंदर नहीं है, देखिए इसके अंदर फिल्टर आता है गोल तरीका, तो इसके अंदर नहीं है, तो कचरा क्या करता है जल्द से जल्द कचरा इसके अंदर आ जाता है। अभी इसको मैं टाकी सफ़ा करूँगा, अभी इसके अंदर जो खोला है सफ़ा करूँगा, कार्बोरेटर जो है था इसका जैसे मैंने बताया स्प्रे मारूँगा और इसमें एक पेट्रोल फिल्टर लगाऊँगा, तब इसका जो ओवरफ्लो होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओवरफ्लो रोकने का जो तरीका होता है ऐसे जैसे हम बताए इसी तरीका आप इस्तेमाल करोगे तो आपका जो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम होता है गाड़ी का सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, आप एक चीज़ सफ़ा किया दूसरा चीज़ नहीं सफ़ा किया तो उसमें कचरा आने के बाद फिर ओवरफुल होगा। जैसे आप भले कार्बोरेटर नया डाल दो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। मैंने जो कार्बोरेटर जो इतना खोला था मैंने इसके अंदर से देखिए इसके अंदर पूरा कचरा ही आला है, देखिए ये देखिए कितना है, देखिए ये देखिए। अब इसके अंदर से वापस एक बार निकाल दिखा दे रहा, देखिए ये देखिए दिख रहा है आपको, वापस देख लीजिए एक बार और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ अंदर बहुत पड़ा हुआ देखिए, ये देखिए। अब इसको हम अच्छे से पेट्रोल से क्लीन करके इसको सफ़ा करूँगा, सफ़ा करने के बाद फिर फिटिंग करूँगा, देख लीजिए। ये देखिए अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, ये देखिए स्प्रे इसे रख के मारना चाहिए, ये देखो यहाँ से आता है, यहाँ से नीचे से अभी वापस मार दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो बाद में क्या करना है आपको, इसे निकाल के फिर जो इसके अंदर है फिर इसके अंदर मारना चाहिए, तो इसी तरीके आप इसको अच्छे से क्लीन कर दीजिए। देखिए खाली आपको बता रहा हूँ, मैं तो क्लीन यहाँ से कर चुका हूँ, सफ़ा कर चुका हूँ मैं।